हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मुकेश है, महाराष्ट्र जलगांव से। आज मेरे पास में एक 24 इंच का LED आया हुआ है जो असेंबल है, जो मैं आपको इसका मॉडल नंबर दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो इसके अंदर पैनल का प्रॉब्लम है जो हम देखेंगे, और ये मेरे पास में कारागिर के पास से आया हुआ सेट है। तो अगर मैं आपको दिखाऊँ तो भाई ने तो इसके अंदर छेड़छाड़ भी किया हुआ है, ठीक है, आपको दिखाई देता होगा, तो दिखाई देता होगा। तो भाई ने यहाँ पे काम करके देखा है, लेकिन वो हुआ नहीं है। ओ भाई से ये देखिए, देखिए अगर आपको दिखाई देता होगा तो इसमें छेड़छाड़ करके देखा है, लेकिन वो भाई से ये रेडी नहीं हुआ है सेट। मैं आपको इधर भी दिखा देता हूँ, देखिए ये देखिए, यहाँ पे वो भाई ने तो विजेस का ट्रैक कट किया है, लेकिन उनसे पैनल रिपेयर नहीं हुआ है। तो आज हम ट्राई करेंगे इसको रिपेयर करने की कोशिश करेंगे इसके अंदर कि ये पैनल रिपेयर होता है क्या हमसे, ठीक है। तो देखिए स्टैंड बाय लाइट आ चुकी है, ये देखिए स्टैंड बाय लाइट आ चुकी है। तो मैं इसको स्टैंड बाय से रिलीज कर रहा हूँ, अभी स्टैंड बाय रिलीज हो गया। इसकी बैकलाइट आ गई। अब हम थोड़ा पैनल का सिम्टम्स देख लेते हैं। तो देखिए पैनल कुछ इस तरह से है। देखिए इसकी बैकलाइट ऑन हो चुकी है, लेकिन पैनल के अंदर ये देखिए, अगर आपको दिखाई देता हो तो हल्का साइड से ब्लू हो रहा है, ठीक है। ये बगा अमजे मुकेश काका है, टूट न रहे, LED गिरा है। तो ऐसा सिम्टम्स इसके अंदर क्रिएट हो रहा है, देखिए ठीक है, ये देखिए। तो इस तरह से ब्लू स्क्रीन बन रही है। तो हम देखेंगे इसके सभी बेसिक वोल्टेज, पहले चेक करेंगे इसकी वोल्टेज की कंडीशन क्या है, ठीक है। आपको दिखा देता हूँ वोल्टेज, यहाँ पे पैनल VCC है इस टेस्ट पॉइंट पे जो 12 वोल्ट सही से आ रही है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका 3.3 वोल्ट बनेगा, इस कॉइल पे देखिए आपका 3.3 वोल्ट, ओके। तो 3.3 वोल्ट ओके, उसके बाद हम LED चेक करेंगे जो इस टेस्ट पॉइंट पे होगा, ये देखिए यहाँ पर LED 13 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जो स्विचिंग करवाया है वो 3.3 वोल्ट से करवाया है। अगर हम अगर यहाँ पे देखें तो देखिए इस डायोड पे अगर देखें तो देखिए 3.3 वोल्ट से LED वोल्टेज जनरेट किया है, ठीक है। और इधर देखिए, ये देखिए ठीक है। अब देख लेते हैं VGH वोल्टेज,
नहीं पहले विजेल देख लेंगे, ये विजेल का टेस्ट पॉइंट है, ये देखते हैं, ये विजेल का टेस्ट पॉइंट है जो -5 वोल्ट सही से बन रहा है। ठीक है, और यहाँ पे विजेज का टेस्ट पॉइंट है, ये देखिए, तो ये 27 वोल्ट इस डीसी आईसी के अंदर इनपुट हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे वीजीएच वी करके है जो यहाँ पे उसका टेस्ट पॉइंट बना हुआ है, यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे 27 वोल्ट बन रहा है। ये 27 वोल्ट है तो आपका जो हमारे साइड में गेट ड्राइवर लगा है उसके अंदर जाएगा। ठीक है, यहाँ से तो अभी हम यहाँ पे देख लेते हैं जो यहाँ पे वो भाई ने काम किया था कारागिर ने, देखते यहाँ पे हमारा तो देखिए ये ट्रैक के ऊपर देखिए -3 वोल्ट आ रहा है विजुअल का। और टेस्ट पॉइंट पे देखेंगे, तो ये टेस्ट पॉइंट पे विजुअल वोल्टेज है, तो पहले टेस्ट पॉइंट पे देखिए माइनस विजुअल वोल्टेज, वही वोल्टेज यहाँ से रिटर्न ये वाले टेस्ट पॉइंट पे आ रहा है विजुअल के, देखिए यहाँ पे रिटर्न होके आ रहा है विजुअल, ये देखिए -3 वोल्ट। ठीक है, तो हम भी देखेंगे यहाँ पे कट लगा के। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो मैं अभी सेट को चालू कर रहा हूँ, अब देख लेते हैं यहाँ पे हमारा वोल्टेज आता है क्या। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे विजेज वोल्टेज आ चुका है। ठीक है, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी, ये देखिए मैंने यहाँ से मैंने इसको बाईपास कर दिया, देखिए ये वायर आई और यहाँ से मैंने इसको इसे बाईपास कर दिया। ठीक है, अब देखते हैं हमारी पिक्चर आई कि नहीं आई। वाह, मस्ती का सिग्नल आ चुका है, ये देखिए। और सिग्नल लिख के आ चुका है, आप देख सकते हो, ये देखिए। ठीक है, तो पैनल तो रिपेयर हो चुका है, और एक हल्की सी लाएंगे इसके अंदर,
ठीक है, एक लाइन इसके अंदर। तो पिक्चर तो हमारा कंप्लीट बन चुका है। तो देखा आपने बहुत इजी तरीके से ये पैनल रिपेयर हो चुका है। तो खाली पता होना चाहिए कि कैसे डीसी आईसी वर्क करती है और कैसे गेट ड्राइव के लिए वोल्टेज जनरेट होके जाता है। अगर ये आपको पता हो तो आप आसानी से कोई भी पैनल को रिपेयर कर सकते हो। तो थैंक यू गाइस।